हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SS इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको हाउस वायरिंग डिजिटल डायग्राम के अनुसार समझाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके लिए हम AC, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग इत्यादि सभी मशीनों की वायरिंग इसी डिजिटल डायग्राम के अनुसार बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्विच हमने ले लिया है, ये वन वे स्विच है, और इसके बाद हम दो 5-पिन सॉकेट को ले लेते हैं। एक नॉर्मल बोर्ड की वायरिंग हम आपको डिजिटल डायग्राम के अनुसार सिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दो 5-पिन सॉकेट और दो स्विच यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी वायरिंग करना है। इसकी सिंपल सी वायरिंग करना होता है, जैसे न्यूट्रल और फेस दो वायर आते हैं सप्लाई के, उन्हीं दोनों वायरों से वायरिंग करना होता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल के तार को लेकर चलते हैं और सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही उपकरण हमारे 5-पिन सॉकेट उपकरण होते हैं, दोनों ही 5-पिन सॉकेट के बाएं साइड में दे दिया गया है। अब फेस की सप्लाई को लेकर जाना है, तो फेस की सप्लाई हम जानते हैं कि स्विचों में जाता है, तो फेस की सप्लाई को सबसे पहले दोनों ही स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। अब स्विचों का बचा हुआ एक एक पॉइंट उपकरणों से जोड़ दिया जाएगा, तो जिस स्विच से जिस सॉकेट को चलाना है उसको हम जोड़ देंगे। अभी देख सकते हैं आप सॉकेट का भी एक एक पॉइंट बचा हुआ है, तो जो हमारी बाएं वाली स्विच है इस स्विच से हम बाएं वाली सॉकेट को जोड़ देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा, और जो हमारी दूसरी स्विच है दूसरी स्विच के द्वारा हमारी जो दूसरी सॉकेट दाहिने साइड में लगी हुई है उसमें जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसका कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।